Good morning, students of class 5th. So, today we are going to start the 18th chapter of EVS. That is no place for us. So, let's start. Jatra Bhai. Jatra Bhai was sitting at the door with his daughter Jimli. They were waiting for Sidhya. It was almost night, but Sidhya had not come home. Two years back, Jatra's family came to Mumbai from Sindhuri village. Here, they only knew the family of a distant relative. With their help, Jatra Bhai began to repair torn fishing nets, but the money he got was not enough. दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन फूड स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस हेअर दे इन हैड टू बाई वॉटर जात्रा भाई जो हैं वो डोर के पास बैठे थे अपनी बेटी जिमली के साथ वो सिद्धिया का वेट कर रहे थे लगभग रात ही हो गई थी लेकिन सिद्धिया अभी तक घर वापस नहीं आया था दो साल पहले जात्रा की जो फैमिली है वो मुंबई आए थे सिंदूरी विलेज से यहाँ पे वो सिर्फ एक फैमिली को जानते थे जो कि उनके दूर के रिश्तेदार हैं बस उनको जानते थे वो तो उनकी हेल्प से जात्रा भाई जो है उन्होंने टॉन फ़िशिंग नेट्स रिपेयर करने का काम शुरू किया लेकिन उससे जो उन्हें पैसा मिलता था वो पूरा नहीं होता था मी मीन्स उन्हें मेडिसिन दवाइयाँ भी खरीदनी होती थी देन खाना ख़रीदना होता था स्कूल फ़ीस रेंट घर का रेंट और ये सब चीज़ें भी उन्हें इससे तो उनको जो मनी मिलती थी वो इतनी इनफ नहीं थी यहाँ पे उन्हें इवन

Empty bottles and newspapers to sell to the उसको भी एक पास की फिश फैक्ट्री में काम करना पड़ा था क्योंकि कुछ पैसा कमाने के लिए चारों चार, चार बजे से लेकर सात बजे तक मॉर्निंग में वो क्लीन करता था और सॉट करता था बड़ी और छोटी फिश को फिर वो वापस घर आता था टेक नैप में झपकी लेता था और फिर स्कूल जाता था दोपहर में शाम के टाइम वो वेजिटेबल मार्केट के अराउंड घूमता था वहाँ पे वो क्या करता था कि जैसे कुछ मीम्स मेम्स है लेडी की हेल्प करता था मीन्स उनके बैग कैरी करने में या फिर रेलवे स्टेशन पे जाता था कुछ एम टी बॉटल्स पे करने के लिए उठाने के लिए या न्यूज़पेपर्स किसको बेचने के लिए वो किसको बेचता था कबाड़ी वाला को कबाड़ी वाला मीन्स जंग सेलर किसी तरह वो अपनी जो लाइफ है वो मैनेज कर रहे थे सिटी में इट वॉज नाइट बट सिद्धिया होम जिमली वाचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू थ्रू दबर्स विंडो बट डिड नॉट लाइक वाचिंग टीवी रात हो गई थी लेकिन सिद्धिया जो है वो अभी तक घर नहीं आया था जिमली जो है वो डांस का प्रोग्राम देख रही थी टीवी में अपने नेबर की पड़ोसी की विंडो से लेकिन जात्रा जो है उसको टीवी देखना पसंद नहीं है हेयर एवरीथिंग वॉज सो different the day would pass running around for work but the evening brought back old memories यहां पे सब कुछ बिल्कुल अलग था uh, जो दिन था वो कैसे पास होता था रनिंग अराउंड फॉर वर्क काम के तलाश में घूमते हुए लेकिन जो इवनिंग थी ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज वो पुरानी यादें वापस ले आती थी रिमेمبرिंग ओल्ड डेज यात्रा वाज बोर्न इन खेड़ी विलेज इन द मिडिल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स हिज पीपल हार्ट बीन लिविंग हेयर फॉर मेनी ईयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न जा जो है वो कहाँ बॉर्न हुआ है खेड़ी विलेज में वो कहाँ पर है इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स और हिल्स के बीच में है उनके जो लोग थे वो, वो वहाँ पर कई सालों से रहे हैं इवन बिफोर हिज जब उनके ग्रैंड फादर के बॉर्न होने से पहले इतने टाइम से वो वहाँ पर रहे हैं There was peace in Jatra's village, but not silence. There were was, was so many soothing sounds: the gurgle of the flowing river, the murmur of trees and the chirping of birds. People did farming, they would go to the nearby forest, chatting and singing together, to collect wild fruits, roots, and dried wood. While working with elders, children also learned to many things to dance together, to play flute and hole, to make pots of clay, एंड बैम्बू टू रिकोगनाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देर साउंडस एक्सेट्रा वहाँ पर बहुत ही शांति थी जातरा के विलेज में लेकिन साइलेंस uh, नहीं था मीन्स uh, एक तरह से बिल्कुल uh, ये था मीन्स बहुत ही पीसफुल uh, uh, एक इन्वायरमेंट था वहाँ पर वहाँ पर बहुत सारी सूदिंग साउंडस थी जैसे कि फ्लोइंग रिवर की, uh, की आवाज़ आना या फिर ट्रीज़ की हल्की हल्की जो फ्लोइंग uh, आवाज़ आती है वो आना या फिर लाइक like, बर्ड्स uh, की चॉप साउंड्स देन लोग फार्मिंग करते थे वो uh, पास के फॉरेस्ट में जाते थे एक दूसरे के साथ बातें करना गाना गाना जंगली फ्रूट्स कलेक्ट करना रूट्स ड्राइड वुड ये सब कलेक्ट करना वाइल वर्किंग विद जब वो एल्डर्स uh, के साथ काम करते थे तो बच्चे भी बहुत चीज़ें सीखते थे अपने बड़ों से एक साथ डांस करना फ्रूट बजाना ढोल बचाना, बचाना पॉट्स बनाना क्ले और बैम्बू के और बर्ड्स uh, की uh, बर्ड्स को रिकोगनाइज करना उनकी साउंडस की नकल उतारना एक्सेट्रा पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज सम ऑफ दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर विद दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट ऑयल राइस एंड सम क्लोथ्स लोगों ने uh, कुछ चीज़ें कलेक्ट की फॉरेस्ट से अपने यूज के लिए जैसे कि uh, कुछ ने uh, इसलिए कलेक्ट किया uh, क्योंकि वो टाउन में बेच सके जो अक्रॉस द जो कि रिवर के पास थी देन uh, मनी के साथ वो सॉल्ट खरीद सके ऑयल राइस और कुछ क्लोथ्स it was a village but people here हैर together like a big family jatra's sister was married in the same village people helped each other in good and bad times the elders would arrange weddings and settle quarrels इट वॉज village वो एक गांव था लेकिन वहाँ के वहाँ पे जो लोग रहते थे एक साथ वो एक बड़ी फैमिली की तरह रहते थे जात्रा की जो सिस्टर हैं वो उसी गांव में उनकी शादी हुई है और लोग जो हैं वहाँ पे एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं अच्छे बुरे दोनों समय में वहाँ के जो एल्डर्स हैं वो अरेंज करते uh, करवाते हैं वेडिंग्स और जो भी लड़ाइयाँ होती है उनको भी सेटल कराते हैं यात्रा वॉज नाउ अ स्ट्रॉग यंग मैन ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स रूट एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन फिश फ्रॉम द रिवर टू सेल दीज इन दाउन ज्यूरिंग फेस्टिवल टाइम डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ हिस एज जात्रा जो है वो अभी एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन बन गया है वो बहुत मेहनत करता है फील्ड्स में और फिश पकड़ता है बड़ी रिवर से उस वो और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो फॉरेस्ट जाते हैं फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए रूट्स प्लांट्स किस लिए मेडिसिन के लिए फिश रिवर फिश जो है वो रिवर से कलेक्ट करते हैं जिससे कि वो टाउन में बेच सकें फेस्टिवल के टाइम जो जात्रा है वो डांस करता है और ड्रम बजाता है बॉयज़ और गर्ल्स के साथ जो कि उसकी एज के सो चिल्ड्रेन The next part of this chapter we are going to continue in the next class till then thank you children